साम्राज्यवादी रूस द्वारा यूक्रेन पर बर्बर हमले के खिलाफ आक्रोश जताते हुए सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया द्वारा पटेल चौक पर किया गया विरोध प्रदर्शन। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया दुर्ग जिला कमेटी के द्वारा साम्राज्यवादी रूस के द्वारा यूक्रेन में हमला किए जाने के खिलाफ दुर्ग के पटेल चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया और यूक्रेन में रूस के एक तरफा सैन्य हमले और जंगखोर साम्राज्यवादी नाटो गठबंधन की उकसावेबाजी की कड़ी आलोचना की गई। सभा को संबोधित करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य संगठन सचिव कॉमरेड विश्वजी हराडे ने कहा कि हम एक विशेष सैन्य अभियान के नाम पर यूक्रेन पर साम्राज्यवादी रूस के सैन्य आक्रमण की कड़ी निंदा करते हैं। जैसा कि अमेरिका साम्राज्यवादियों के नेतृत्व में नाटो ने अधिकांश पूर्वी यूरोपीय देशों पर अपने नियंत्रण का दायरा बढ़ाया, रूस ने यूक्रेन को अपने प्रभुत्व में लेने के लिए एक प्रतियोगी शक्ति के रूप में इसको आक्रमण को शुरू किया। यह अमेरिका साम्राज्यवादी रूस और साम्राज्यवाद के बीच वर्चस्व का संघर्ष है। इसको लेकर प्रदर्शन के दौरान कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की भर्त्सना करते हैं क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों को वापस लाने की कोई सही पहल नहीं की। इसके विपरीत भाजपा समर्थित मीडिया इस बात को फैला रहा है कि वे हमारे भारतीय अपने स्वार्थ के लिए पढ़ने गए हैं। हम मांग करते हैं कि यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी के लिए ठोस और प्रभावकारी योजना का तत्काल क्रियान्वयन किया जाए। आज का जो हमारे प्रदर्शन है बाजी की है उसको बंद करो और हमारे भारतीय छात्र हजारों छात्र वहाँ जो फंसे हुए हैं उन छात्रों को भारत सरकार तुरंत वापस लाए। भारत सरकार की ओर से जो ये लापरवाही की जा रही है इस लापरवाही को वो तत्काल बंद करें। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विश्वजीत हारोडे, बीसीसीआई कम्युनिस्ट राज्य। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।